हेलो दोस्तों, आरबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के करंट अफेयर प्रश्न नंबर एक, भारत का सबसे लंबा शिवलिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल राज्य में। केरल में अब भारत का सबसे लंबा शिवलिंग, इसकी ऊंचाई 111.2 फीट है। प्रश्न नंबर दो, वेस्ट नाइल वायरस बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूलेक्स मच्छर। पक्षी इस वायरस के प्राकृतिक मेजबान है, लेकिन यह क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा मानव में फैलता है। प्रश्न नंबर तीन, उन्नति अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी क्षमता निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्था द्वारा एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी ने एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज उन्नति विकसित किया है। यह रणनीति दस्तावेज ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समन कार्यवाही को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है। प्रश्न नंबर चार, लिविंग रिपोर्ट्स 2019 के मर्सर की गुणवत्ता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, वियना। मानव संसाधन परामर्श फर्म मर्सर की वार्षिक गुणवत्ता सर्वेक्षण सूची 2019 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को पहले स्थान पर रखा गया। इससे पहले यह 10वां वर्ष है लगातार पहले स्थान पर बने रहने का। प्रश्न नंबर पाँच, चुनावी बॉन्ड निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक में उपलब्ध है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, भारतीय स्टेट बैंक में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखा में उपलब्ध होंगे। प्रश्न नंबर छः, मनोहर पर्रिकर जिनका हाल ही में निधन होगा, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च 2019 को 63 उम्र निधन हो गया है। प्रश्न नंबर सात, अगले 5 साल के लिए जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, MR कुमार। केंद्र सरकार ने MR कुमार को भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर आठ, कुर्ग अरेबिका कॉफी जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कुर्ग अरेबिका कॉफी विशेष रूप से कर्नाटक में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर नौ, वायनाड रोबस्टा कॉफी जिसे हाल ही में GI टैग मिला है को निम्नलिखित किस राज्य में उगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल राज्य में। वायनाड रोबस्टा कॉफी की फसल ज़्यादातर होती है। प्रश्न नंबर 10, अराकू वैली अरेबिका कॉफी जिसे हाल ही में GI टैग मिला है को निम्नलिखित से किस राज्य में उगाया जाता है? तो ये जो है बी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहुलता से उगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ऑप्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।